हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है आम पन्ना, जिसको कि मैं एक आसान तरीके से बनाऊंगी। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने ये 4 कच्चे आम लिए हैं, आधा बाउल पुदीना का पेस्ट लिया जिसमें मैंने पुदीना और 1 हरी मिर्चा डालकर पीस लिया है। मैंने 1 बाउल पिसी चीनी ली है। आप चाहे तो पिसी चीनी ना भी लीजिए। अगर आप पिसी चीनी नहीं लेते हैं तो आप इस पल्प में चीनी डालकर मिक्सी में पीस सकते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, आधा चम्मच काला नमक लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 जार ठंडा पानी लिया है। अगर आपको ज्यादा ठंडा चाहिए हो तो आप आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले हम इन कच्चे आमों को मैं इस तरह से कुकर में डाल दूंगी और इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। जितने में ये डूब जाए आप उतना पानी डाल दीजिए। कुकर को हम बंद कर देंगे। अब इसको हम गैस पर चढ़ाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। देखिए, हमने इसको 1 सीटी आने तक पका लिया है। अब 1 सीटी आ चुकी है, हम कुकर को खोल देंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। देखिए, हमने इसको प्लेट पे निकाल लिया। अब हम इसको ठंडा हो जाने, जब ये ठंडे हो जाएंगे कच्चे आम, इसको छील कर इसका पल्प निकाल लेंगे। देखिए, आम हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम छील लेंगे और छील कर इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से छील लिया है। अब हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। ऐसे हम एक अंबिया ले लेंगे और इसका सारा पल्प ऐसे करके निकाल लेंगे और गुठली हटा देंगे। हमने ये सारा पल्प निकाल लिया है। मैंने आम को थोड़ा सा ज्यादा पका लिया था। देखिए, इस तरह से हमने ये आम के पल्प को निकाल लिया है और इसको हम चम्मच से अच्छे से मैश कर लेंगे। पूरा ये आपस में अच्छे से मैश हो जाएगा। देखिए, हमारा ये पल्प अच्छे से मैश हो गया है। आम पन्ना बनाने के लिए हम एक बाउल में थोड़ा पानी निकाल लेंगे। पहले हम थोड़ा ही पानी निकालेंगे, फिर हम इसमें सारी पिसी चीनी डाल देंगे। अब इसको हम पानी में अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से हम इसको घोल लेंगे पानी में। अब इसमें हम सारा आम का पल्प डाल देंगे। अब ये सब हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। पूरा इसमें ऐसे घोल लेंगे कायदे से और फिर हम इसको छन्नी से छान लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको छान लिया है। अब इसमें हम काला नमक मिला देंगे, इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब ये हम इसमें पुदीना का पेस्ट मिला देंगे, ये मिला लेंगे और अब इसमें हम पानी डाल देंगे, इसको चलाते रहेंगे। सब हमने इसको अच्छे से मिला दिया है और हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम एक जार में निकाल लेंगे। देखिए, इसको हम एक जार में निकाल देंगे। देखिए, हमने इसको एक जार में निकाल लिया है। अब इसको हम ग्लास में निकाल देंगे। इस तरह से हमने इसको ग्लास में निकाल लिया है। अगर आपको ज्यादा ठंडा चाहिए तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो। आप लोगों ने देखा, आज हमने आम पन्ना कितने आसान तरीके से बनाया। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनता है। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।